कोरोना वायरस खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान 50 संवाद, वबा से मरने वाले 380, 4 नए केसेस रिकॉर्ड। मुतासर अफराद 27,000 से जायद। हॉस्पिटल में जगह कम पड़ने लगी है। डिमांड बढ़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी शॉर्टेज, कीमत में 3 गुना इजाफा। वबा के फैलाव पर लाहौर रेड जोन बन गया। कल रात 12 बजे से शदीद मुतासर इलाके 15 दिन के लिए सील करने का फैसला। निस्तर टाउन, अंदरून लाहौर, मजंग, शादबाग, शाहदरा और हरबंसपुरा की मुतासर गलियां सील की जाएंगी। डिजी ट्रांजिट ट्रेड मोहम्मद जाहिद खोकर कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसे। मरहूम चंद रोज कबल ही ग्रेड 22 में प्रमोट हुए थे। मोहम्मद जाहिद खोकर मेंबर कस्टम्स और डिजी कस्टम्स इंटेलिजेंस की असामियों पर भी तायुनात रह चुके हैं। शहर की अहम शख्सियात मुसलसल कोरोना का शिकार। पीपी रहनुमा अजीजुर रहमान चंद, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पीपी हाफिज मोहम्मद अशरफ भी कोरोना का शिकार। आजाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर डार ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मजीद केसेस सामने आने पर लेस्को जिया बगा ऑफिस मजीद 2 रोज के लिए सील। MS जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर महमूद वायरस से सेहतियाब हो गए। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 अरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। 2 घंटे तखीर से शुरू होने वाले इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ नारे, प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। वजीर खजाना बजट तकरीर में 56 अरब टैक्स रिलीफ के साथ 22 अरब 40 अरब मेजानियां पेश किया। बजट में जारी अखराजात का हजम 13 खरब 18 अरब मुख्तस। तनख्वाहें पेंशन न बढ़ी। सेहत आमा और स्कूल एजुकेशन के लिए 46 अरब इजाफी रखे गए हैं। टैक्स रिलीफ पैकेज, किफायत शारी, जारिया अखराजात में कमी, मुआशी इस्तेहकाम, सोशल प्रोटेक्शन, मुस्तहिक तबकात के लिए इकदाम, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी समेत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 7 बड़ी हुकूमती तरजीहात में शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट तकरीर में 25 शोबों पर टैक्स रियायतों का ऐलान। टैक्स दहिंदगान के लिए 10% रियायत, इंटरटेनमेंट ड्यूटी की शरह 5% करने, फनी तरबियत के लिए 1.5 अरब और कोरोना से निबड़ने के लिए 43 अरब मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना का कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को खिराज तहसीन। नए माली साल में भी 1 माह की इजाफी तनख्वाह। कोरोना के खिलाफ PDMA को 25 अरब का बजट मुख्तस। सूबाई वसूलियों में 23% इजाफा। FPR टैक्स वसूलियां भी 13% बढ़ गईं। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट तकरीर में 1.5 अरब की किफायत शारी और 61 अरब की ज़िमनी ग्रांट के मुतालबात मुस्तरद करने पर माली खसारा 71% कम करने का दावा। दस्तियाब सेहत आमा की सहूलतें अपग्रेड करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना का लाहौर में बड़े हॉस्पिटल्स के क़याम का ऐलान। नए माली साल में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसिस और PKLI में जदीद सहूलियात मुहैया करने का भी फैसला। इकदाम से शोबा सेहत में 12,000 नई आसामियां भी पैदा होंगी। सूबाई बजट में सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के लिए 12 अरब मुख्तस। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 11 अरब 40 करोड़। शोबा सेहत को जदीद बनाने के लिए DGHQ हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का क्याम भी मंसूबा। नए माली साल में तालीम के लिए 391 अरब। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 350 अरब मुख्तस। बजट में दानी स्कूल के लिए 3 अरब और महकमा हायर एजुकेशन के लिए 37 अरब 56 करोड़ रुपए रखे गए। ₹2,240 अरब के सूबाई बजट में विफाक से महासिल का तखमीना 1,433 अरब। 317 अरब रुपए सूबाई महसूलात से हासिल होंगे। 133 अरब के लिए डोनर एजेंसी की यकीन दहानी। इनोवेटिंग फाइनेंसिंग से 25 अरब, अकाउंट टू फूड से 331 अरब हासिल होंगे। आइंदा माली साल में स्टैंप ड्यूटी की शरह 5% से कम करके 1% करने की तजवीज। बजट में कोरोना के बदतरीन असरात कम करने के लिए खसूसी इकदाम। 23 शोबों के लिए टैक्स रिलीफ, 13 बराह रास्त और 10 बिलवासा इकदाम से फायदा उठाएंगे। सर्विसेज पर सेल टैक्स में कमी और प्रॉपर्टी टैक्स की 2 किस्तों में वसूली की तजवीज भी पेश। हॉस्पिटल के बेड और रूम चार्जेस, हेल्थ इंश्योरेंस पर 16% टैक्स खत्म।
होटल्स गेस्ट हाउसेस के कमरों पर कम करके 5% कर दिया गया। माली साल 2020-21 में राइडर सर्विसेज और ऊबर क्रीम और दिगर पर 4% टैक्स आए। मैरिज हॉल, तकरीबात और लॉन और पिंडाल सजाने पर 5% महसूल लागू। हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर, रेंटे कार सर्विसेज, केबल ऑपरेटर्स, ऑटो, मोबाइल डीलर्स, अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी 5% टैक्स वसूल किया जाएगा। स्किन और लेजर क्लिनिक्स, एजुकेशन फ्रेंचाइज, आईटी सेक्टर पर भी 5% टैक्स। रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स पर कैश अदायगी पर 16 और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर 5% सेल टैक्स की तजवीज। पंजाब काबीना ने माली साल 2020-21 के लिए बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने नए माली साल के लिए तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। बजट इजलास में शिरकत के लिए आने पर वजीर आला पंजाब की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। कोरोना और बजट समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत को कारोबारी बरादरी की मुश्किलात का एहसास है। बजट में टैक्सेस की मद में बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फैजुल हसन चौहान ने सूबे के तरक्याती बजट में 5% इजाफे समेत तालीम और सेहत का बजट बढ़ाने को खुशाइन करार दे दिया। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का फौरी तौर पर शरह सूद 6% तक घटाने, PSDP बजट बढ़ाने और बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू करवाने का मुतालबा। साबिक वजीर आला ने हुकूमती बजट पॉलिसी को मुस्तरद करते अवामी रिलीफ और इनकम टैक्स भी कम करने का मुतालबा कर दिया। बोले अगर PTI मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी पर चलती तो रवां साल 5,000 अरब टैक्स जमा होता। नए माली साल लोकल बॉडीज के इलेक्शन का शोरगुल। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारों पर 82, बजट में 455, बल्दियाती इदारों के लिए 445 अरब 10 करोड़ मुख्तस। बजट में पार्किंग कंपनी बंद करने और एडमिनिस्ट्रेटर को मेयर के मातहत करने की भी तजवीज। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी। 4 माह बाद भी हॉस्पिटल्स के अमले के लिए मास्क और हिफाजती किट्स की फ्राहमी मुमकिन ना हो सकी। सेक्रेटरी लेबर ने MS साहिबान से रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। शहर भर में 169 दुकानें सील, 127 गाड़ियां बंद, 85,000 से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान असरुल्लाह रांचा का शिंघाई पुल फिरोजपुर रोड पर छापा, खिलाफ वर्जियों पर 21 दुकानें सील। कोरोना के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन का मामला। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान की सरबराही में इजलास। मुख्तलिफ इलाकों के डेटा का जायजा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भट्टी, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, SSP सिक्योरिटी और दीगर की शिरकत। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि मरबूत हिकमत अमली से स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। टीचिंग हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस क्लिनिक का मनसूबा तर्क। 3.5 अरब के मनसूबे के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस। रेडियोलॉजी टावर सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए 29 करोड़ 34 लाख, जनरल हॉस्पिटल की अंदरूनी सड़कों की तामीर के लिए 1 करोड़ 66 लाख, इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के लिए 26 करोड़ 82 लाख मुस्तरद, जबकि शोबा एगानी सर्विसेज हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगाराम के लिए 30 करोड़ और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपये मुख्तस। कोरोना मरीजों के लिए जान बचाने वाले इंजेक्शन एक्टेमरा की किल्लत के खिलाफ समाप्त। हाईकोर्ट ने विफाक, ड्रग रेगुलेटरी और दिगर फ्री कैन को 17 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कोरोना SOPs पर मौसर अमल दरामद के लिए जिले हुकूमत मुतहर्रिक। 525 पब्लिक मकामात की चेकिंग के दौरान मास्क न पहनने पर 19 अफराद के चालान, 14,500 को जुर्माना, 33 को वार्निंग देकर छोड़ दिया। LDA हुकाम की गफलत के सबब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। दफातर के बाहर समाजी फासलों की हिदायत नजरअंदाज, शहरियों का जमे गफीर मौजूद। सूरत हाल कंट्रोल न होने पर वन विंडो सेल बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर चीनी काउंसलेट का इजहार अफसोस। साबिक वजीर आला को चीनी काउंसल जनरल का मरासला, जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार।
खत में कोरोना वबा के परेशान कुन दिनों में पाकिस्तान की जानिब से दोस्त मुल्क से तआवुन पर इजहार तशक्कुर। बल्दिया लाहौर ने ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट फंक्शनल कर दिया। एमसीएल हेडक्वार्टर में पोर्टल सिस्टम नाफिस, वन विंडो सेल में मैनुअल एंट्री रजिस्टर्ड रख दिए गए। ई सिस्टम के तहत बिल्डिंग कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट 30 रोज में सारे को देना लाजिम होगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी शदीद माली बहरान का शिकार, जारी तरक्याती कामों के लिए 5 करोड़ 90 लाख की अदायगी में मुश्किल, 2 करोड़ 40 लाख के चेक बाउंस होने पर ठेकेदारों ने काम रोक दिया। जिला इंतजामिया 70 रुपए किलो चीनी की फरोख्त मुमकिन बनाने में नाकाम, रिटेलर्स का पहले होलसेल मार्केट में कीमत कम करने का मुतालबा। छापों और जुर्मानों के डर से अकबरी मंडी के डीलर्स ने शुगर मिलों से खरीदारी रोक दी। डीलर्स ने एक्स मिल रेट 65 रुपए किए बगैर 70 रुपए किलो फरोख्त पर नामुमकिन करार दे दिया। बहरान संगीन से संगीन तर होने का खदशा। सरकारी स्कूलों के इस्तेमाल के लिए ई ट्रांसफर एप्लीकेशन का कल आखिरी रोज, तारीख में मजीद तौसी न करने का फैसला। इस्तेमाल कल रात 12 बजे तक ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। लाहौर से अब तक 825 इस्तेमाल ने तबादलों के लिए रुझू किया। प्राइवेट स्कूल्स की फी में 20% कमी के फैसले पर अमल दरामद, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की गिरफ्तारत, ऑनलाइन मीटिंग में सूरत हाल का जायजा। 36 अजला के सीईओ की मीटिंग में वजीर आजम पोर्टल पर दर्ज शिकायत के जाले से मुतल्लिक भी गौर होगा। पोलियो मुहिम जुलाई के वस्त से दोबारा शुरू करने का फैसला, एसओपी पर अमल दरामद होगा, मुशावरत मुकम्मल। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि मुहिम के आगाज से कबल पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। चैलेंज के बावजूद पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से चलाने के लिए पुरअज़्म है। माली खुर्द बुर्ज के खदशात, शहर में बनाए गए करंटीना सेंटर्स की ऑडिट रिपोर्ट इल्तवा का शिकार, 4 रुकनी कमेटी तहाल रिपोर्ट की तैयारी न कर सकी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू के तबादले के बाद ऑडिट रिपोर्ट की तैयारी का मामला खटाई में पड़ गया। कमिश्नर लाहौर ने 14 रोज में ऑडिट रिपोर्ट तलब की थी। पेट्रोलियम बहरान पर 17 जून को अला हुकाम की पेशी, हाईकोर्ट ने उबूरी तहरीरी हुक्म में पेट्रोल की किल्लत को अवामी मफाद का मामला करार दे दिया। चेयरमैन ओगरा और दीगर फ्री कैन को तफसीली रिपोर्ट समेत अदालत पेश होने का हुक्म, अदालत ने बहरान का सबब बनने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब की हैं। दो मुख्तलिफ मामलात पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तोहीन अदालत की 2 दरखास्तों पर नोटिस, हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक समेत दीगर अफसरान से जवाब तलब कर लिया। घरेलू नाचाकियां और मामूली झगड़े, जरा जरा सी बात पर रिश्ते नाते और एतमाद के बंधन शिकस्त और रेख का शिकार। वालिदैन के दरमियान तनाजात में इजाफे पर हाईकोर्ट में बच्चों की हवालगी के केसों में इजाफा, अदालत के बरामदों में नाराज वालिदैन और उदास बच्चों का रश बढ़ गया। चार बैंकिंग कोर्ट 4 माह से जजेस के बगैर, मुकदमा की सुनवाई में गैर मामूली ताखीर, रिकवरी की कार्रवाइयां भी मुतासिर, समाते न होने से वकला और सालीन मायूस पलटने लगे। दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर राशि मुकदमे का मुलजिम हाईकोर्ट से फरार, मुलजिम और मुदई पार्टी में हाथापाई के दौरान मुलजिम शहबाज वकला की मदद से फरार हो गया। लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल चोरों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 1600 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम, पुलिस गुज़श्ता 3 माह में 1 मोटरसाइकिल भी बरामद करवाने में नाकाम रही। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर की कहना में कार्रवाई, 15 घरों में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ लिया, घरेलू मीटर लगाकर जाली नेटवर्क से 15 घरों को गैस दी जा रही थी, कनेक्शन मुनकता, मीटर लेबॉरेटरी रिपोर्ट के लिए भिजवा दिया गया।
लेबोरेटरी रिपोर्ट की रोशनी में डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। महंगी रोटी, महंगी बिजली, महंगी गैस, तो महंगी अदवियात के बाद आवाम दुश्मन बजट। विफाकी मैदानी के खिलाफ एफका का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे, रिलीफ का मुतालबा। रेलवे लेबर यूनियन की जानिब से भी बजट के खिलाफ एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफा न करने पर हुकूमती अदाद शुमार को गोरख धंधा करार दे दिया। यूनिवर्सिटीज की बंदिश के बावजूद ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी बिल्स की मद में फीस वसूल। यूनिवर्सिटीज के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत से फी में रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का तनख्वाहों में 20% इजाफे का मुतालबा। सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन काउंसिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम एडहॉक अलाउंसेस को तनख्वाहों में जम करने का मुतालबा। टेस्ट क्रिकेट में वापसी का फैसला सिर्फ इंग्लैंड सीरीज के लिए किया है। दौरा इंग्लैंड नौजवान खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होगा। फास्ट बॉलर वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बतौर खिलाड़ी अपने कैरियर से मुतमईन नहीं, तसलसल के साथ खेलने की जरूरत होती है।